समाचारों की ओर। तहसीलदार एसोसिएशन पवई के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कार्यकारिणी एवं अधिवक्ताओं में खासा उत्साह है, जिसे लेकर कार्यक्रम को भव्य आयोजन में जुटे हुए तहसीलदार संघ के अध्यक्ष राजेश नगायच ने बताया है कि शनिवार 27 तारीख को 4 बजे के लगभग पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कॉलेज में नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन माननीय न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा जी, न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य अतिथि में एवं माननीय राधेलाल गुप्ता की मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर की अध्यक्षता में एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय भावना साधोजी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश पन्ना तथा विशिष्ट अतिथि माननीय राजेश पांडे जी पूर्व अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर की उपस्थिति मौजूदगी में गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा एवं शपथ दिलाई जाएगी। बार संघ के अध्यक्ष राजेश नगायच ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम भव्य एवं गरिमामय तरीके से करने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर जिन पदाधिकारियों को जो दायित्व सौंपा गया है उसका निर्वाहन करते हुए समय से उसे पूरा करना सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार एसोसिएशन पवई की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कॉलेज में हाईकोर्ट जबलपुर न्यायाधिपति गण की मुख्य अतिथि में आयोजित होगा। वाइट राजेश नगायच तहसीलदार एसोसिएशन अध्यक्ष पवई। जेटीवी भारत न्यूज से समीम मंसूरी की रिपोर्ट। हमारी तहसील बार अधिवक्ता की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें माननीय न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा जी, न्यायाधिपति माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से पधार रहे हैं एवं स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष जबलपुर मध्य प्रदेश के याधिराज गुप्ता जी एवं पूर्व अध्यक्ष माननीय राजेश पांडे जी एवं हमारी माननीय जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मावरा साधु जी पधार रहे हैं और एक गरिमामयी कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति आवश्यक है। गणमान्य एवं सभी हमारा आग्रह उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बना।